हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ग्राफ। मेरा नाम है नीतू। ये जो वीडियो है इसमें हम टॉप 100 कंपनीज़ की बात करेंगे, उसकी कुछ डिटेल्स, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और उसके करंट सीईओ कौन है। ये इस सीरीज़ का PART-1 है। इसमें फ्यू ऑफ द कंपनीज लिस्टेड होंगे, हम बाकी आने वाले पार्ट्स में बाकी कंपनीज़ का भी पढ़ेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो हमारे लिस्ट में है वो है एप्पल, और हम सब ने इसका नाम सुना है। एप्पल के आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉचेस, एप्पल टीवी, बहुत कुछ है। सो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, यूएस में। ये नोट कीजिए कि यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स दिए है ना, क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, यूएस, अगर तीन पार्ट है, मतलब क्यूपर्टिनो सिटी है, कैलिफोर्निया जो है वो है स्टेट, और यूएस ऑब्वियसली द कंट्री। इसके करंट सीईओ टिम कुक है, एंड जो फाउंडर थे वो थे स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट कंपनी है एक्सेंचो। ये बेसिकली एक आईटी कंपनी है जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कोई भी बिजनेस सपोर्ट या कोई भी एडवाइस चाहिए किसी भी कंपनी को उससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी रिसर्च और डेवलपमेंट और कंसल्टेशन के बारे में। बेसिकली इतना याद रख सकते हैं कि एक्सेंचर एक आईटी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है डबलिंग, आयरलैंड में, जिसके और इसके अभी करेंट सीईओ हैं पायरी नैंटोमी। नेक्स्ट अप है एडिडास। ऑफ कोर्स हम सब ने एडिडास का नाम सुना है। सो एडिडास बेसिकली एक अप्रैल कंपनी है। एडिडास के शूज़, एसेसरीज, इसके स्पोर्ट्स ड्रेसेस बहुत फेमस हैं। एंड इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था अडॉल्फ डैसलर। बेसिकली एडिडास का जो कंपनी है वो पहले डैसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री के नाम से था, लेटर इसका नाम एडिडास कर दिया गया। और इनके जो अडॉल्फ, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि अडॉल्फ डैसलर जो थे उनके जो बड़े भाई थे रडॉल्फ डैसलर, उनका प्यूमा जो ब्रांड है वो उन्होंने वो उनके फाउंडर है। सो इसका हेडक्वार्टर है हर्जोगेन रॉच, जर्मनी में। इसके करेंट सीईओ है कैस्पर रॉस्टर। नेक्स्ट हमारा है आदित्य बिरला ग्रुप। नाउ आदित्य बिरला ग्रुप का हम लोगों ने नाम सुना है। बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि ये सीमेंट कंपनी है, सीमेंट प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, इसके एग्रीकल्चर में भी बिजनेस है, कार्बन ब्लैक का बिजनेस है, केमिकल है, रिटेल है, टेलीकम्युनिकेशन और बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। इसके सीईओ हैं डॉक्टर संतृप्त मिश्रा। नेक्स्ट हमारा है अडोबी इंक। सो बेसिकली अडोबी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है, और इसका सबसे फेमस सॉफ्टवेयर एक जो है वो है फोटोशॉप। हम सब ने सुना होगा फोटोशॉप का नाम। वो एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम इमेज एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका एक्रोबैट रीडर, फिर अडोबी का जो पीडीएफ रीडर होता है ना, पीडीएफ रीडर, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो वो पीडीएफ रीडर अडोबी का, एक पीडीएफ रीडर भी बहुत फेमस है अडोबी का है। इसका हेडक्वार्टर है सैन जोस, कैलिफोर्निया, यूएस में। इसके करंट सीईओ हैं शांतनु नारायणी। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है एएमटी इंक। ये बेसिकली एएमटी का फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। सो माइक्रो डिवाइसेस का मतलब ही होता है सेमीकंडक्टर्स। सो सेमीकंडक्टर्स मतलब ये कंपनी जो है बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट्स, जो एम्बेडेड प्रोसेसर्स होते हैं ना, ग्राफिक प्रोसेसर्स वगैरह, ये सब मैन्युफैक्चर करती है। सो एएमडी एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है। इसका हेडक्वार्टर है सैंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, एंड अगेन ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इसके जो करेंट सीईओ हैं वो है लीजा सू। नेक्स्ट हमारा है जो नेक्स्ट है वो है अल्कैटेल ल्यूसेंट। बेसिकली अल्कैटेल जो था वो एक फ्रेंच कंपनी था और ल्यूसेंट अलग से एक अमेरिकन कंपनी था। इसको 2006 में ये दोनों मर्ज होके अल्कैटेल ल्यूसेंट हुआ है, और 2016 में नोकिया ने इसको अक्वायर कर लिया है।
ये एक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है कंपनी, मतलब टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि मोबाइल हो गया, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई भी नेटवर्किंग हार्डवेयर जो भी होते हैं ये कंपनी उसकी है। सो टेलीकम्युनिकेशन या नेटवर्किंग हार्डवेयर का ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट है ओके सो नेक्स्ट इज अमेज़न। अमेज़न हम सबको पता है कि ई कॉमर्स कंपनी है, और अभी तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अमेज़न को यूज़ करते हैं ऑनलाइन परचेजिंग के लिए। सो अमेज़न का सिर्फ ऑनलाइन परचेजिंग या फिर ई कॉमर्स ही नहीं है, आजकल अमेज़न का और भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स आ रहा है। अमेज़न का खुद का ऐप स्टोर है, अमेज़न ईको करके एक डिवाइस आया हुआ है, फिर से अमेज़न का किंडल ऐप है जहाँ पे आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अमेज़न का प्राइम ऐप है वीडियोस देख सकते हैं। सो अभी अमेज़न बहुत सारे फील्ड्स में आ चुका है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सीटल वॉशिंगटन, एंड अगेन ये एक अमेरिकन कंपनी है यूएस में, जिनके जो सीईओ हैं वो है जेफ बेजोस। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट इज अंबुजा सीमेंट्स। सो इसमें कहने का कुछ नहीं है, एक सीमेंट कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में, और इसके जो करेंट सीईओ हैं वो हैं अजय कपूर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट कंपनी है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि इट्स अ मल्टीनेशनल अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंस से रिलेटेड सपोर्ट देती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में, और इसके जो सीईओ है वो है स्टीफन जे स्क्वेरी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली अमूल हमें डायरी प्रोडक्ट देती है, एज हम सबको पता है अमूल का बटर हम सबका फेवरेट है। सो बेसिकली ये डायरी एक डायरी प्रोडक्ट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात इंडिया में। इसके जो करेंट सीईओ हैं वो है आर एस सोदी। नेक्स्ट जो हमारा कंपनी है वो है अशोक लेलैंड का। ये एक इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी है, मतलब इसके खुद के व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है ये। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में, और इसके सीईओ है विनोद के दसारी। नेक्स्ट हमारा है AT&T। इट्स ये बेसिकली एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और ये मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है लेकिन यूएस में। इसका हेडक्वार्टर है डलास टेक्सास यूएस, और इसके सीईओ हैं रेंडाल एल स्टीफेंसन। नेक्स्ट इज ऑडी। ऑडी ऑब्वियसली एक लग्जरी व्हीकल्स प्रोवाइड करती है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके कार्स बहुत फेमस हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एंग्लो स्टैट जर्मनी में, इनके जो सीईओ हैं करेंट सीईओ वो है अब्राहम स्कॉट। नाउ वी हैव बजाज ऑटोज लिमिटेड। ये बजाज ऑटो का बेसिकली टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स आता है। टू व्हीलर्स में आपका हो गया मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स वगैरह, थ्री व्हीलर्स में हो गया ऑटो रिक्शाज जो बहुत फेमस है। ये इसका हेडक्वार्टर है पुणे इंडिया में, और जो सीईओ है वो है राजीव बजाज। नाउ नेक्स्ट इज बार्कलेज। ये भी एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का कंपनी है, बेसिकली बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं जेस टैली। नेक्स्ट है बेन क्यू। बेसिकली बेन क्यू का फुल फॉर्म है ब्रिंगिंग एंजॉयमेंट एंड क्वालिटी टू लाइफ। सो बी से ब्रिंगिंग है, ई से इंजॉयमेंट है, एन का मतलब सिर्फ एंड को शॉर्ट में एन लिखा गया है, क्यू से है क्वालिटी। सो ब्रिंगिंग इंजॉयमेंट एंड क्वालिटी टू लाइफ इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली एलसीडी मॉनिटर्स करती है, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई मॉनिटर हो गया, डिजिटल प्रोजेक्टर्स हो गया, कैमराज हो गया, ये कंपनी ये सारे डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती है। इसका हेडक्वार्टर है ताइपी ताइवान में, और इसके जो सीईओ है वो है कॉनवे ली। नेक्स्ट हमारा जो अभी कंपनी है लिस्ट में वो है भारती एंटरप्राइजेस। सो हमको सबको पता है कि भारती एयरटेल ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, लेकिन इसका बाकी सेक्टर्स में भी बहुत काम करती है, जैसे कि इसका एग्रीकल्चर बिजनेस भी है, फिर से फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है।
सो भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, भारतीय रिटेल और भी बहुत सारा इसका सेक्टर है। सो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। इसके करंट जो CEO है वो है सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट हमारा है ब्लैकबेरी। ओके, सो ब्लैकबेरी फोन्स के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन ब्लैकबेरी फोन अब, पहले ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स बनाता था, अब नहीं बनाता। अब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली ब्लैकबेरी ने मोबाइल बनाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इसके बटन सिस्टम्स हुआ करते थे और फिर टच स्क्रीन्स वगैरह आ गए, इसलिए ब्लैकबेरी का बिजनेस उतना चल नहीं रहा था, इसलिए ब्लैकबेरी को बंद करना पड़ा। इसका हेडक्वार्टर है वाटरलू ऑन्टेरियो कैनेडा और इसके जो करंट CEO हैं वो है जॉन एस चैन। नेक्स्ट वी हैव BMW। सो BMW का बेसिकली एक जर्मन कंपनी है। इसका इन जर्मन इसका फुल फॉर्म है बेरिस्ट्रे मोटर एंड बर्की। थोड़ा प्रोनंसिएशन डिफरेंट है जर्मन में, लेकिन इंग्लिश में से कहते हैं बवेरियन मोटर वर्क्स, बवेरियन मोटर वर्क्स। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिच में जर्मनी और इसके जो CEO हैं वो है हेराल्ड क्यूगर। और एक बात, जो रॉल्स रॉयस है वो भी BMW का ही है। नेक्स्ट है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ब्रिटानियाज के एज यूजुअल ये बेकरी प्रोडक्ट्स देती है, जैसे कि बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब प्रोवाइड करता है। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया में। इसके जो करेंट CEO हैं वो है नुसील वाडिया। सो नेक्स्ट इज BSNL। सो BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। हम सबको पता है ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिक्स टेलीफोन लाइंस वगैरह, जो मोबाइल फोन्स होते हैं, ब्रॉडबैंड होते हैं, इंटरनेट, टेलीविजन हो गया, ये सारे सेक्टर्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में और जो CEO हैं वो हैं अनुपम श्रीवास्तव। ओके, सो नेक्स्ट है बैंक ऑफ अमेरिका। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये बैंक है, एक अमेरिकन बैंक है और इनफैक्ट ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है अमेरिका का, क्योंकि पहला जो है वो है JPMorgan Chase। सेकंड लार्जेस्ट ये है बैंक ऑफ अमेरिका। इसका हेडक्वार्टर है चार्लेट न्यू कैरोलिना US में और इसके जो CEO हैं वो हैं ब्रायन टी मोहिहन। नेक्स्ट है हमारा बोइंग। सो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा बोइंग 771, बोइंग 73 विथ वेरियस नंबर। सो बेसिकली हमें पता है कि एक बोइंग जो वर्ड है, हमें पता है कि वो एरोप्लेन के नाम होते हैं और नंबर्स उनसे रिलेटेड होते हैं। सो ये भी एक अमेरिकन कंपनी है जो कि एरोप्लेन मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन हमें सिर्फ एरोप्लेन पता है, इतना ही नहीं ये आपके रॉकेट, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स भी मैन्युफैक्चर करती है। इसका हेडक्वार्टर है शिकागो इलिनॉय US में। इसके जो CEO हैं वो हैं डेनिस म्यूलनबर्ग। नेक्स्ट है हमारा कैनन इंक। सो कैनन बेसिकली एक जापानीज कंपनी है जो कि आपके वो ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि हो गया कैमरा, देन कैमकोडोज, कैमकोडोज मतलब जो वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, फोटोकॉपियर, ऑब्वियसली द प्रिंटर्स होते हैं, ये सारे कैनन मैन्युफैक्चर करती है। ओके, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। इसके CEO जो है फूजियो मिटारी, इनके CEO है फूजियो मिटारी। ओके, नेक्स्ट है सेलकॉन। सो ये एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो मोबाइल और टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नेशनल कंपनी है, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में और इसके जो CEO हैं, बेसिकली वो चेयरमैन हैं, उनका नाम है वाइक्रो। नेक्स्ट हमारा कंपनी जो है वो है सिस्को। जिन्होंने IT कंपनी में काम किया है उन्होंने फर्स्ट श्योर इसका नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फोन्स वगैरह होते हैं, जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, वो सिस्को का होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में। मैं सारी कंपनीज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तो ये एक बेसिकली नेटवर्किंग से रिलेटेड नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करता है, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फ़ोन हो गया या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। इसका हेडक्वार्टर है सैन जोस कैलिफोर्निया US में। इसके CEO हैं मार्क पैटरसन।
ओके, नाउ वी हैव कोको कोला. सो कोको कोला बेसिकली एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी है जो कि एरिएटेड ड्रिंक्स बनाती है, और जो फैंटा स्प्राइट भी है वो कोको कोला का ही है. इसका हेडक्वार्टर है एटलांटा जॉर्जिया यूएस में, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं जेम्स क्विंसी. नेक्स्ट इज कॉग्निजेंट या फिर कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस. बेसिकली एक आईटी कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग करती है. इसका हेडक्वार्टर्स है टीनेक न्यू जर्सी यूएस में. इसके जो सीईओ हैं वो है फ्रांसिस्को डिसूजा. नेक्स्ट वी हैव कॉमकास्ट एक टेली कम्युनिकेशन और मास मीडिया कंपनी है. ये बेसिकली ये जो सिंबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सीएनबीसी के साथ देखा होगा जो न्यूज़ चैनल है. सो कॉमकास्ट बेसिकली इसी फील्ड में काम करती है, न्यूज़ चैनल वगैरह, और इसके कुछ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज भी हैं, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज. तो उसका हेडक्वार्टर है पेनिनसुलावेनिया यूएस में, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं ब्रायन एल रॉबर्ट्स. नेक्स्ट हमारा है कंपनी केप जेमिनी. सो ये भी एक आईटी कंपनी है, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आउटसोर्सिंग करती है. सो केप जेमिनी इज ऑल्सो एन आईटी कंपनी. इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं पॉल हर्मिलन. ओके, सो जो लास्ट है वो है सिटी ग्रुप. सो बेसिकली सिटी बैंक एक अमेरिकन कंपनी है जो कि एक बैंक है और एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में. इसके जो सीईओ है वो है माइकल कॉर्बैट. सो दैट्स इट पार्ट वन के लिए. इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं. सो अगर आपको इसके और फॉलो अप चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लो. अगर होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, बिकॉज आजकल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. फिर मिलेंगे. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.